फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैंने निहारी बनाई थी, तो मैंने कहा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। निहारी मैंने नेशनल मसाले के साथ बनाई थी। मैंने ये प्रोडक्ट का रिव्यू भी किया है, तो बहुत ही आला और बहुत ही औसम निहारी बनी है। तो आई एम आपको बताती हूँ मैंने कैसे मसाले से निहारी बनाई है। सबसे पहले तो जो हड्डियाँ थी ना, मैंने उनकी यखनी निकाल ली है। ये जो देसी में है, ये यखनी है, ये तकरीबन चार से पाँच गिलास है। उसके बाद ये गोश्त है तकरीबन 2 किलो, आटा 1 प्याली, प्याज 2 दरमियानी साइज़ की ले लें और लहसुन अदरक कूट के रख लें। और ये हड्डियाँ हैं जिनकी हमने यखनी निकाली है, और ये प्याज है जो हमने बाद में तड़का भी लगाना है और ऐड करें, ताकि बाद में निहारी के ऊपर डालकर इसे सर्व कर सकें। ये नेशनल रेसिपी मिक्स है। चूल्हा जलाकर उसके ऊपर कुकर रखेंगे, क्योंकि कुकर में हमने वेट देना है ना, इसलिए इसे हम कुकर में बनाएंगे। कुकर में घी डाल दिया, अब वो गर्म हो गया है तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमने लाइट ब्राउन होने तक ही भी गोल्डन, यानी कि गोल्डन से हो, ज़्यादा ब्राउन की तरफ ना जाए, उससे सालन हमारा काला हो जाएगा। ये हमारे प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, अब इसमें हम लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक डालकर इसे भूनें, जब ज़रा भून जाए तो इसके अंदर गोश्त शामिल कर दें। गोश्त को भूनना है, थोड़ा थोड़ा रंग बदलना शुरू होगा तो इसके अंदर हम अपना ये रेसिपी मिक्स डाल देंगे। ये मसाला शामिल कर दिया हमने इसके अंदर, अब इसके अंदर थोड़ी देर हम चम्मच चलाएंगे। ये घी छोड़ना शुरू हो गया है, इसे ज़रा अच्छी तरह भून लेंगे ताकि ना स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा आटा भी डालेंगे, जितना आटा आपको बताया उससे ज़्यादा आटा पहले आप गोश्त भूनते हुए डाल दें, ताकि ना गोश्त अच्छे तरीके से भून जाए, और बाद में जब अगर हम ज़्यादा आटा डालें तो उसकी उसका टेस्ट सही नहीं आता। ये थोड़ा सा भून लें डाल के आटा पहले, तो उससे टेस्ट सही बनता है। अब ये जो यखनी थी हमारे पास, वो इसमें शामिल कर दें। अगर आपको थोड़ी कम लगे, अगर आपने आपको लगे कि ये ज़रा कम लग रही है, 3-4 गिलास या 5 गिलास, तो 1/8 गिलास पानी का आप इसमें शामिल कर लें। अब इसे हमने वेट दे दिया, ये बच्चे का गोश्त है तो इसे 20 मिनट तो आएगा ही, और ये 20 मिनट के वेट के बाद ये पक रहा है। इसके अंदर हम बाकी जो आटा है उसे पानी में घोल के शामिल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते रहेंगे, साथ साथ पकाते रहेंगे। जितना हमने शामिल करना था वो कर लिया। 1 प्याली, 1 कप बहुत होता है, दरमियाने साइज़ का जो 1 कप है वो ठीक होता है। अब ये फ्राई पैन में हम प्याज लाल कर लेंगे, कुछ तो हम सर्विंग के लिए रखेंगे और बाकी हम तड़का लगाएंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इनको निकाल लें और बाकी से हमने तड़का लगा देना है, जो घी बचेगा और थोड़े से प्याज के साथ। ये हमारी निहारी तैयार है। इसे आप नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे से भी, रोटी से भी। साथ में इसका ये सैलड रेडी करें जिसमें अदरक, लाल प्याज, हरी मिर्च और लेमन होता है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।